पितृदोष की शांति के लिए पितरों का श्राद्ध करना जरूरी होता है, जिसको करने से जीवन में आए सभी दुख और परेशानियां खत्म होने की धार्मिक मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ पक्ष में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके होने से पितृदोष का आसानी से मालूम हो जाता है। यदि पितृपक्ष शुरू होने से पहले या पितृपक्ष के दौरान कुछ घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में इन्हें पितृदोष बताया गया है। ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 को क्या कहा है, सुनिए। श्राद्ध पक्ष में क्या क्या संकेत मिलते हैं जो हमें श्राद्ध के दौरान जो समस्या आ जाती है, या पति पत्नी में कुछ विवाद रहता है या घर में सुख शांति नहीं होती, इसका यही कारण होता है कि हमारे जो पितर हैं उनको शांति नहीं मिली है। पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे का कहना नहीं मान रहे हैं, धर्म कर्म के कार्य समय पर नहीं कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो पितर हैं वो हमारे से अप्रसन्न हैं। और भी संकेत दिए हैं कि श्राद्ध आने से पहले ही व्यक्ति को स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं, अपने पितरों की जो है फोटो या उनका जो है चित्र सामने आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो पितृदोष के लक्षण है, कोई सर्प दिखाई दे रहा है या कोई तुम्हें ऐसा शमशान घाट दिखाई दे रहा है और रात को कुत्ते बोल रहे हैं या अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से जो है ये सब पितृदोष के ही लक्षण है। अपना प्रायश्चित करने के लिए हमें फिर भी जब तक हमारा जीवन है उस दोष से मुक्त होने के लिए हमें फिर भी अच्छे कार्य करने चाहिए। हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, भाई हमें तो स्वच्छता का ध्यान रखें, वस्त्रों को अच्छे वस्त्रों को पहने और समय पर कार्य करें, उपासना पूजा और जैसा पितरों के निमित्त जो उनके दोष को दूर करने के लिए प्रातःकाल गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, कोवा दिख जाए तो उसको भी एक भोजन कराना, या कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है या कोई भूखा व्यक्ति है, कोई भी हो चाहे जिसको एक भूख प्यास की आवश्यकता है तो उसको ये चीज देनी आवश्यक है। जैसा कि एक हमारे शास्त्रों में लिखा है, दरिद्राय धनम देयम, ज्ञानम देयम जगाय च, पिपासिताय पानीयम, अक्षुधिताय भोजनम।